हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 8.11। देख लेते क्या है एग्जांपल नंबर 8.11। तो प्रॉब्लम है आपके सामने, उसने बोला है कि अ रेक्टेंगुलर बॉडी 500 mm लॉन्ग एंड लेंथ दे रखी है, 100 mm वाइड यानी उसकी विड्थ दे रखी है, 50 mm थिक यानी थिकनेस दे रखी है। तो वॉल्यूम मुझे आइडेंटिफाई हो गया प्रॉब्लम का। इस सब्जेक्टेड टू अ शियर स्ट्रेसेस यानी कि टाउ की वैल्यू उसने यहाँ पे दे रखी है 80 MPa। डिटरमाइन दी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी टेक्स एन यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं जी या सी 85 GPa। तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेन एनर्जी होती है ड्यू टू द शियर स्ट्रेस, तो वो आपको पता है फॉर्मूला होता है उसका टाउ स्क्वायर ओवर 2g इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है, यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे सीधे सीधे वैल्यू लगानी है आपका आंसर आ जाएगा निकल के। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी को देखा इन द टर्म्स ऑफ द शियर स्ट्रेस, तो वैल्यू थी मेरी 80 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 85 इंटू 10 पावर 3, और वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है आपको 500 इंटू 100 इंटू वैल्यू है आपकी 50। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपल कैलकुलेशन से तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 94.1 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन mm, और मैं इसको लिख सकता हूं 94.1 न्यूटन मीटर। mm को चेंज कर दिया यहाँ पर 10 पावर 3 को मल्टीप्लाई करके, तो दिस इज आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।